हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो इंडियन कम्युनिटी के ऊपर है जो मेडागास्कर में प्रेजेंट है। इंडियन मेडागास्कर में 18 सेंचुरी में आना स्टार्ट हुए थे, तो उसी हिस्ट्री के ऊपर 27 मार्च को हमारी एम्बेसी में एग्जीबिशन किया गया था। जैसा कि ये बोर्ड्स दिख रहे हैं, इन बोर्ड्स पे प्रोमिनेंट फैमिलीज़ की डिटेल्स हैं और इनके अराइवल की हिस्ट्री और उसके बाद उनकी प्रेजेंट डिटेल्स इन पे लिखी हुई हैं। इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन मेडागास्कर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर क्रिश्चियन एनसे और हमारे एम्बेसडर ने किया था। यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड पासपोर्ट भी दिखाए गए थे एग्जीबिशन में, जो आज़ादी से पहले तक के भी हैं। ये पासपोर्ट है 1946 में इशू हुआ, एम्पायर ऑफ इंडिया, उस टाइम होता था हमारा एम्पायर ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर। अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है, पहले एम्पायर ऑफ इंडिया होता था। और इस तरह का फोटो होता था पुराना पासपोर्ट, और हाथ के साथ ही लिखते थे सब कुछ, सब हाथ से हैंड रिटन, हैंड रिटन वीजा भी हैंड रिटन। और इससे भी पुराना कौन सा है, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या है? ये 1887 में बना हुआ पासपोर्ट है। नहीं, इसमें इसमें देखिए आगे क्या है, ये उसकी ये नेम नेम और एज में ये क्या लिखा है, 1909 1919। ये ट्रेवल डेट है, नहीं ये ट्रेवल डेट है, ट्रेवल डेट जब जब इन लोगों ने जहाँ जहाँ ट्रेवल किया। अच्छा, ये पासपोर्ट है 1939 में इश्यू हुआ। ये यहाँ पे ये 1966 में इश्यू हुआ था वेल्स को। और पहले इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। हाँ, एक जैसे ये है, ये 1929 का इशू हुआ पासपोर्ट है, मेरी वजह से लिखा है ना, वॉइस राय एंड डायरेक्टर जनरल, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आजकल लिखा होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले वॉइस राय एंड गवर्नर ब्रिटिश रूल। और इस तरह के पासपोर्ट होते थे। अच्छा, इस पासपोर्ट में फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों भी फोटो कैसे? हाँ, दोनों भी, ये दोनों ने ट्रैवल किया था ना एक साथ, तो एक साथ ट्रैवल होते थे। ओके, बट आज तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना। हाँ, अभी तो अलग अलग पासपोर्ट ही अलग बनते हैं दोनों। ये फिर उसके थोड़े नए आने लगे, ये 92 में इश्यू हुआ था, ऐसा होता था पासपोर्ट, ऐसा होता है। ये 2002 में इश्यू हुआ। ये 1985 में इशू हुआ पासपोर्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंजॉय कीजिए।
Excellency, Honorable Prime Minister of the Republic of Madagascar, His Excellency Christian Ntse, Excellency Honorable Foreign Minister of Madagascar, Honorable Members of the Indian Community, Excellencies Ambassadors, and the heads of international organizations, members of the government, dear members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen, I welcome you today all on this very special and unique occasion of the inauguration of a special exhibition on Indian diaspora in Madagascar. I just started my speech by telling you the story of the sense given to this exhibition today. Indian community in Madagascar is very important for India and Madagascar as well. Thank you so much. This is the richness of the excellent relation between India and Madagascar. Long life to this cooperation. The whole stick in the Nosy Way, the first whole of the and their present is Ansir Annana, they are jewelers. Hello, Yavar Hussain family, Mr. Hussain? Yavar Hussain? Mr. Yavar Hussain? No.